मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मंत्रा फॉर गुड लक, यानी कि आप किसी को भी अपना गुड लक दे सकते हैं या किसी से भी अपना गुड लक ले सकते हैं। यह मंत्र जानने के बाद आप किसी के भी साथ कुछ भी उसे गुड लक के रूप में देना चाहते हैं तो इस मंत्र का नाम जप करके आप उसकी शक्तियाँ यानी कि उस मंत्र की शक्तियाँ गुड लक के तौर पर सामने वाले को दे सकते हैं। यह मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक देवता यानी कि गणपति जी, उनका यह मंत्र होने वाला है, क्योंकि गणपति जी को हम गणेश के नाम से जानते हैं। गणेश हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। उन्हें विद्या, बुद्धि और शुभ कामों के लिए सबसे पहले पूजा जाता है। उन्हें इसी के साथ साथ विघ्नहर्ता देवता भी कहा जाता है, यानी सारे विघ्नों को दूर करने वाले उसे विघ्नहर्ता कहते हैं। गणपति को भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र भी कहा जाता है, इसलिए उनकी विशेष पूजा का महत्व है। और आज की वीडियो में हम उन्हीं का एक मंत्र जानने वाले हैं जो कि मंत्रा फॉर गुड लक होने वाला है, यानी कि हम जब कभी बाहर जाते हैं तो हमें गुड लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह मंत्र खासतौर पर विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा उपयुक्त होने वाला है। या आप ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको गुड लक की आवश्यकता है, तो यह मंत्र केवल आपके लिए ही होगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज का जो मंत्र होने वाला है, जो गुड लक मंत्र है, वो हमारे वेदों और पुराणों में भी लिखा गया है। इस मंत्र का नाम है ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, अगर आपने ये मंत्र सिद्ध कर लिया तो आपके साथ विघ्नहर्ता देव यानी कि गणेश जी की शक्तियाँ और उनके दूत आपके साथ चलने लगेंगे। आपके सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इतना शक्तिशाली ये मंत्र है। दोस्तों, अब जानते हैं इस मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है। सबसे पहले ओम गण गणपते नमः मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको किसी शांत और ध्यानयुक्त स्थल पर जाना चाहिए और वहाँ जाकर बैठकर फिर अपने मन को शांत कर लेना है। और उसके बाद एक माला लेनी है। ध्यान रहे दोस्तों, माला में 108 मणि होने चाहिए। और जैसे जैसे आप ओम गण गणपते नमः वो एक बार बोलेंगे, वैसे वैसे एक मणि पीछे खींचना है और धीरे धीरे करके अपना ध्यान पूर्ण रूप से उस ओम गण गणपते नमः में विलीन कर देना है। इस मंत्र की रोज़ाना एक माला की तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि एक माला की तो भी वो पर्याप्त है उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। दोस्तों, गणपति जी को हम 21 मोदक चढ़ाते हैं, यानी कि गणपति जी का प्रिय नंबर जो होता है वो 21 होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको भी यह साधना 21 दिन की होगी। 21 दिन में आपका ये ओम गण गणपति नमः मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसी के साथ साथ आप अपना खुद का गुड लक उस ईश्वर के, उस गणपति जी के आशीर्वाद से आप अपना गुड लक हासिल कर लोगे। अगर आपका कोई मित्र है या आपका कोई पुत्र है, अगर वो किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है, तो आप उसे गुड लक के तौर पर ओम गणपति नमः मंत्र का एक बार जाप करिए और कोई भी प्रसाद के रूप में उसे चीनी दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन इस मंत्र का एक बार जाप करने से आप उसे गणपति जी का गुड लक दे रहे हो। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए। दोस्तों, तो इस प्रकार आज का मंत्र होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वीडियो में इतना ज़्यादा छोटा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बड़ा वीडियो लोगों को दिखना नहीं आता, तो छोटे वीडियो में से आपको सारी जानकारी मैं आज के वीडियो में देने वाला हूँ और वह मैंने दे भी दी है। दोस्तों, धन्यवाद, रुकते हैं इसी वीडियो में। जय गणपति बप्पा।